क्वेश्चन है, फाइंड फाइव रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/2 एंड 5/3, यानी -3/2 और 5/3 के बीच में पांच रेशनल नंबर लिखना है। तो ये हो जाएगा गिवन नंबर आर -3/2 एंड 5/3, यानी -3/2 और 5/3 के बीच में लिखना है पांच नंबर। तो किसी भी दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफिनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो पांच ही लिखना, वो आसानी से लिखा जा सकता है। सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना होगा, सेम करने के लिए इसका एलसीएम निकालना होगा 2 और 3 का। तो एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 2 और 3 का एलसीएम होता है 6। तो -3/2 और 5/3 का एलसीएम 6 आया है, तो इसका डिनोमिनेटर भी 6 करना होगा। यानी -3/2 को मल्टीप्लाई करेंगे और 5/3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 तो 3 2 तो 2, 3 3 जो होता है -9, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6, और ये जाएगा 5 2 10 बाय 3 2 6। अब दो नंबर हमको मिल चुका है -9/6 और 10/6, ये दोनों के बीच में पांच नंबर लिखना है। तो पांच नंबर तो आसानी से लिखा जा सकता है, -9/6 10/6 लिख देते हैं पांच नंबर। -9 -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6, इसी तरह से -3/6 -2/6 -1/6 0 1/6 2/6 3/6 4/6, इस तरह से 10/6 तक आ जाएगा। इसके बीच में पांच ही लिखना है, तो पांच हमारा आ गया है 1 2 3 4 5, तो ये पांच हमारा हो जाता है इसका आंसर। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।